फिर दिखाता हूँ, 3, 2, 1। तो ये ऐसे वर्क करता है हील असिस्ट फीचर। ये सब कर दिया हूँ, इधर से दोनों चीज हटा देता हूँ। 2 सेकंड होल्ड करेगी, ये पीछे जाने लगी, देखिए फिर से ब्रेक दबाया, फिर 2 सेकंड तक होल्ड करेगी, देखिएगा ये फिर डाउन आने लगी। Hey guys, welcome back to my channel। ये टाटा सफारी के XT Plus वेरिएंट। तो इसमें आपको मिलता है एक फीचर हील असिस्ट फीचर। ये आपको टाटा नेक्सॉन में भी मिलता है, ये टाटा हैरियर में भी मिलता है, टाटा सफारी में भी मिलता है। तो ये टाटा सफारी के XT Plus वेरिएंट है। तो इसमें हील असिस्ट फीचर काम कैसे करता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड समझे कैसे काम करता है। तो सिंपली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आफ्टर सब्सक्राइबिंग प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो अगर अच्छा भी लगे शेयर भी जरूर करेगा। तो स्टार्ट करते हैं हील असिस्ट फीचर होता क्या है एंड काम कैसे करता है। हील असिस्ट फीचर बेसिकली ये है कि अगर आप स्ट्रीप में खड़े, जैसे अभी मेरी कार स्ट्रीप पे खड़ी है, तो उसमें होता है क्या कि आपकी कार ब्रेक छोड़ने के बाद भी 2 सेकंड तक होल्ड करके रखती है, कि उससे क्या होता है कि आपकी कार पीछे ढुलती नहीं है। तो ये हील असिस्ट फीचर काम करता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में। सिंपली अगर आप स्ट्रीप में ऐसे खड़े हैं, ये मैनुअल है ABC, देख सकते हैं आप, एक्सलेटर ब्रेक एंड क्लच। तो टाटा नेक्सॉन में जैसे कि आपको पता होगा कि आपको उसमें क्लच इंगेज करके रखना पड़ता है हील असिस्ट फीचर यूज करने के लिए, बट टाटा सफारी में ऐसा नहीं है। अगर आप क्लच नहीं दबा के रखें तो भी आपको 2 सेकंड तक ये कार स्ट्रीट में होल्ड करके रखेगी। सिंपली दिखाता हूँ आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेक में मैंने पैर रखा हुआ है एंड ये हैंड ब्रेक है, हैंड ब्रेक को मैं डाउन कर देता हूँ। एंड आप एक बार कार को दिखा दीजिए भैया कि स्ट्रीट पे खड़ी है। तो आप देख सकते हैं मेरी कार स्ट्रीट पे खड़ी है, ऐसे स्लोप पे खड़ी है, तो इसके चांसेस है ढूंढने के। तो क्लोज आई हुई है फिर से। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम करता कैसे। अब देखिए मैं न्यूट्रल में है गाड़ी, मैंने क्लच भी नहीं दबाया है, हैंड ब्रेक डाउन है। अब मैं ब्रेक से पैर हटाऊंगा तो गाड़ी देखिएगा आप 2 सेकंड तक होल्ड करके रखेगी मेरे को, ये ढूंढ देखिए। फिर दिखाता हूँ, 3, 2, 1। तो ये ऐसे वर्क करता है हील असिस्ट फीचर। टाटा नेक्सॉन में क्या था कि आपको क्लच में इंगेज करके रखना पड़ता था, तब जाके वो काम करता था। तो 2 सेकंड में आप आराम से हील में पिक कर सकते कार को बिना पीछे ढूंढे। आपको दिखाता हूँ कैसे, ये न्यूट्रल है गियर। तो आप एक कंडीशन और है, एकदम आराम से आप क्लच में पैर रखिए, फर्स्ट गियर लगाइए एंड देखिए ब्रेक लीव कर दूंगा तो भी 2 सेकंड तक होल्ड है कार। तो क्लच इंगेज करके रखा हूं मैं एंड ब्रेक में भी पैर है, फर्स्ट गियर लगा दिया। हील असिस्ट में होगा क्या, ब्रेक से पैर हटाऊंगा एंड कार को आराम से पिक कर लूंगा मैं, देखिएगा 2 सेकंड क्योंकि मिलता है ये, एंड कार को पिक कर लूंगा। सिंपली अब मैं दोनों छोड़ू न्यूट्रल करके तो भी कार ऐसे होल्ड करके रखी, फिर ऐसे मैं ब्रेक में पावर रख सकता हूँ। ठीक है, सिंपली फर्स्ट गियर लगाया, फिर से एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, देखिएगा मैं ब्रेक छोड़ूंगा तो भी कार होल्ड करके रखेगी, फिर पिक कर लूंगा फर्स्ट गियर से। ये छोड़ दिया एंड ये पिक कर रहा हूँ कार को, तो ऐसे में क्या आपकी कार ढूंढती नहीं है। हील असिस्ट फीचर का ये सबसे खास पॉइंट है हील असिस्ट फीचर का। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं एकदम हील पे खड़ा हूँ, ये देखिए एकदम स्टीप है ये। तो अगर मैं न्यूट्रल कर दूं गाड़ी को एंड हैंड ब्रेक डाउन कर दूं तो ये कार 2 सेकंड होल्ड करेगी, बट उसके बाद अपने आप डाउन हो जाएगी। आपको दिखाता हूं, यहां से भी दिखा देता हूं इस एंगल से भी, ये देखिए किया, कार को स्टार्ट करता हूं, ये देखिए आप देखते रहिएगा कार अपने आप ढूलेगी। ठीक है, ये सब कर दिया हूं, इधर से दोनों चीज हटा देता हूं, 2 सेकंड होल्ड करेगी, ये पीछे जाने लगी, ये देखिए फिर से ब्रेक दबाया, फिर 2 सेकंड तक होल्ड करेगी, देखिएगा ये फिर डाउन आने लगी। सो दिस फीचर इज लाइक दिस। हील असिस्ट फीचर आपको काफी हेल्प करता है स्टीप एरियाज में, हिली एरियाज में। ये फीचर काफी यूजफुल है डेली लाइफ के लिए भी। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।